हेलो बच्चों, औसत चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लोग एज वाले कॉन्सेप्ट के सवाल करेंगे जिसमें आपका एज यूज होगा, ठीक है। तो देखो इसमें किस तरीके के सवाल बनते हैं, और सवाल को स्टार्ट करने से पहले बस एक बार मैं रिवाइज कर दूंगा कि क्या कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जैसे अगर कुछ संख्याओं है, कुछ संख्याओं का समूह है, उनका कुछ औसत दिया है, जैसे कई सारी संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं, अगर उनका औसत बच्चा कितना दे रखा है, 10 संख्याओं का औसत मान लो दे रखा है 12। अगर मैं सभी संख्याओं में अगर बच्चा 2 जोड़ दूंगा तो मेरे औसत में भी क्या हो जाएगा, 2 जोड़ जाएगा। अगर मैं सभी संख्याओं में 2 घटा दूंगा तो मेरा औसत भी क्या हो जाएगा, 2 से कम हो जाएगा। अगर उम्र की बात करते हैं, अगर कुछ ग्रुप में कई सारे लोग हैं, अगर हम उनके उम्र की बात कर रहे हैं, तो अगर हम अभी कुछ औसत की बात कर रहे हैं, जैसे मान लो अगर आप प्रेजेंट में कोई औसत की बात कर रहे हैं और मान लो 4 साल बाद के औसत की बात कर रहे हैं, तो अभी का औसत जो होगा, अभी का औसत मान लो अगर x है तो 4 साल बाद औसत कितना हो जाएगा बच्चा, x प्लस 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी की उम्र कितनी बढ़ जाएगी, 4 4 बढ़ जाएगी, तो औसत भी हमारा क्या हो जाएगा, 4 से बढ़ जाएगा। अगर 4 साल पहले की बात करेगा तो भाई औसत में क्या हो जाएगा, 4 की कमी आ जाएगी। तो बस आपको यही है कि अगर आपको किसी भी समय पर औसत मालूम है तो कुछ साल पहले या कुछ साल बाद हम लोग बच्चा क्या कर सकते हैं, औसत निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे? औसत में उतने साल को जोड़ के या उतने साल को घटा के। क्लियर? चलो बच्चा सवाल करते हैं, तभी हमको और अच्छे से क्लियर होगा। 7 बच्चों के एक समूह की औसत उम्र 12 वर्ष है। एक 6 वर्षीय बच्चा समूह छोड़कर चला जाता है, 2 वर्ष बाद शेष सदस्यों की औसत आयु क्या होगी। हमसे बोला है 2 वर्ष बाद शेष सदस्यों की औसत आयु क्या होगी। हम अभी औसत आयु निकाल लें, और अगर 2 साल बाद हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, औसत आयु में 2 साल जोड़ देंगे। क्यों? 2 साल बाद सभी की उम्र में क्या हो जाएगी, 2 साल की वृद्धि हो जाएगी। तो बस यही कॉन्सेप्ट लग जाएगा कि भाई अगर सबकी उम्र 2 साल बढ़ेगी तो हमारा औसत भी क्या हो जाएगा, 2 साल बढ़ जाएगा। कहने का मतलब हमको क्या करना है, अभी वर्तमान में हमको सबकी औसत उम्र निकालनी है। सबकी मतलब 7 का औसत दिया है और उसमें से एक चला जा रहा है, एक चला जा रहा है मतलब कितने बचे, 6 बचा और कौन हो गया, 7वां हो गया। इन 7 का औसत बच्चा हमको कितना दे रखा है, 12 साल दे रखा है। हमें क्या करना है बच्चा, इन 6 का औसत निकालना है। लेकिन जो ये 7वां जा रहा है इसके बारे में हमको मालूम है, इसके बारे में हमको क्या मालूम है कि जो बाहर जा रहा है इसकी उम्र बच्चा कितनी है, 6। अगर हम बात करें यहां पे डेविएशन कितना है, विचलन कितना है, ये 12 है ये 6, औसत से कितना कम है बच्चा, 6 कम है। अगर यहां पे -6 का डेविएशन है या -6 का विचलन है तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चा, +6 का विचलन हो जाएगा। यहां पे तो 1 संख्या है, यहां पे 6 संख्या है, तो ये जो विचलन है ये 6 संख्याओं में बराबर बराबर बांट देंगे तो विचलन कितना आ जाएगा, +1। अगर विचलन +1 आ गया, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो संख्या है वो औसत से क्या है बच्चा, 1 ज्यादा है। कहने का मतलब यहां पे जितनी भी संख्याएं वो औसत से 1 ज्यादा है, मतलब इन 6 संख्याओं का जो औसत हो जाएगा बच्चा कितना हो जाएगा, 12 में 1 जोड़ दोगे, 12 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 13 साल हो जाएगा। और ये हमारा कब आएगा बच्चा, वर्तमान में। लेकिन हमको वर्तमान में नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 2 साल बाद, 2 साल बाद इन 6 लोगों का हमको औसत आयु बताना है। तो बच्चा अगर 2 साल बाद की बात करेंगे तो 2 साल बाद सभी की उम्र क्या हो जाएगी, 2 साल बढ़ जाएगा और औसत भी क्या हो जाएगा, 2 साल बढ़ जाएगा। 13 + 2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, 15 वर्ष। क्लियर हो गया सभी को? आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। कितने साल पहले, 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। यदि सी के जुड़ जाने से उनकी आयु का औसत 22 वर्ष हो जाता है। आयु के सवाल में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, था है होगा। था का मतलब पास्ट की बात कर रहा है का मतलब अभी की बात कर रहा है, होगा का मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। औसत 22 वर्ष हो जाता है का मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है। कहने का मतलब ये जो हमारी लाइन लिखी हुई है ये किसके लिए लिखी हुई है, वर्तमान के लिए, और ये जो लाइन लिखी हुई है ये किसके लिए लिखी हुई है, ये लिखी हुई है बच्चा 3 साल पहले के लिए। ए और बी की औसत आयु 18 साल है, कब, 3 साल पहले। तो 3 साल बाद अभी वर्तमान में इनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी भाई, दोनों की आयु 18 18 बढ़ जाएगी, सॉरी 3 3 साल बढ़ जाएगी। तो भाई वर्तमान की अगर हम बात करेंगे तो वर्तमान में ए और बी की जो औसत आयु हो जाएगी बच्चा,
ये कितनी हो जाएगी, दोनों में तीन बढ़ जाएगा, मतलब 18 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 21 वर्ष। अब क्या कह रहा है कि बच्चा सी को भी शामिल कर लेते हैं तो औसत आयु कितनी हो जाती है, 22 साल हो जाती है। भाई दो लोग ये हैं ए प्लस बी, और ये तीसरा हमारा कौन सा आ रहा है, सी। ए कॉमा बी एक ग्रुप में है और सी एक ग्रुप में है, तीनों की औसत आयु बच्चा कितनी हो जाती है, 22। ए और बी की जो औसत आयु हमारे हिसाब से अभी हमने निकाला वर्तमान में कितनी आ रही, 21 आ रही। तो हमें क्या करना है बच्चा, सी की वर्तमान आयु क्या है यही तो हमको बताना है। 3, 2 + 1 तीन में कन्वर्ट हो गया, तो तीन संख्याओं का हम लोग क्या निकालेंगे, कुल विचलन। यहां पे बच्चा विचलन कितना हो गया, -1, लेकिन कितनी संख्या है, 2, तो टोटल विचलन कितना हो गया, -2, तो यहां पे कितना हो जाएगा, +2। कहने का मतलब इसकी उम्र औसत से 2 साल ज्यादा है, तो सी की आयु जो हो जाएगी बच्चा कितनी हो जाएगी, 22 + 2 = 24 साल। जो हम लोगों ने विचलन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो तो हमारा लगेगा ही लगेगा, विचलन तो लगेगा ही लगेगा, टोटल सम मेथड तो लगेगा ही लगेगा, बट आयु का भी कॉन्सेप्ट लग जाएगा जो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आयु का हो सकता है या एक फिक्स संख्या को सभी में जोड़े, एक फिक्स संख्या को सभी में घटा दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी, 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आयु के सवाल में था, थी, है और होगा, ये आपको बताएगा कि कब की बात कर रहा है, पहले की बात कर रहा है, वर्तमान की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है। ये जो लाइन है ये पास्ट है, पीछे की बात कर रहा है, ये जो बात कर रहा है ये है, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, वर्तमान की बात कर रहा है। अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है, ये भी बच्चा किसकी बात कर रहा है, वर्तमान की बात कर रहा है। अब ध्यान से समझेंगे, शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी, शादी के समय 23 साल थी, तो भाई शादी के समय 23 साल थी और 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है, मतलब 5 वर्ष बाद अभी वर्तमान हो गया, 5 वर्ष बाद अभी क्या हो गया, वर्तमान, मतलब शादी कब हुई थी, 5 साल पहले हुई थी। भाई शादी कब हुई थी, 5 साल पहले, तभी तो 5 साल बाद अब 1 साल का एक बच्चा है। तो कहने का मतलब शादी 5 साल पहले हुई थी तो अब इनकी औसत आयु, औसत उम्र कितनी हो जाएगी, अगर भाई 23 साल पहले थी, सॉरी कह रहे 23 औसत उम्र थी कितने साल पहले, 5 साल पहले, 5 साल बाद 1 वर्ष का बच्चा है, तो 5 साल पहले इनकी शादी हुई थी, 5 साल पहले औसत उम्र कितनी है बच्चा, 23 साल है, तो 5 साल बाद अभी वर्तमान में औसत उम्र कितनी हो जाएगी बच्चा, 23 + 5 = 28। 28 वर्ष बच्चा औसत उम्र हो जाएगी अभी वर्तमान में, यह कब है, जब शादी हुई थी। अब टोटल हमारे पास में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, और बच्चा कितने साल का है, 1 साल का है, और इनकी औसत उम्र कितनी है, 28। कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, अगर 2 लोग की उम्र 28 है तो 2 का टोटल बच्चा कितना हो जाएगा, 28 × 2 ये हो गया बच्चा 56 टोटल, और प्लस 1 जो बच्चा है, भाई बच्चे की उम्र भी तो जोड़ेंगे, औसत निकालना मतलब कुल मान बटे कुल संख्या, 3 लोग हैं, माता है, पिता है और बच्चा है, तो माता पिता की औसत अगर 28 है तो टोटल कितना हो गया, 56, बच्चा 1 साल का है तो 56 + 1 = कितना हो गया बच्चा, 57। और औसत अगर निकालना है वर्तमान में क्या करना है, सारे परिवार का औसत आयु कितनी है, अगर औसत निकालना है तो बच्चा कुल मान में क्या करना है, 3 से भाग दे देना है, 57/3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 19 वर्ष, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट भाई, भाई 5 साल बाद औसत उम्र में वृद्धि कितनी हो जाएगी, 5 साल की हो जाएगी। यहां पे डेविएशन से भी कर सकते थे बट डेविएशन से करने का कोई फायदा ही नहीं था, डेविएशन भी वही आएगा, टोटल सम मेथड हमारा ज्यादा आसान है। अगर भाई जब हमारा अंतर बहुत दूर दूर होता है तो डेविएशन लगाने का कोई फायदा नहीं होता, फिर हम लोग कौन सा मेथड लगाते हैं, टोटल सम मेथड। तो भाई 1 56 है, सॉरी 1 28 है और 1 1 है, तो भाई क्यों डेविएशन लगाए, सीधे सीधे टोटल सम मेथड लगा दिया। क्लियर, अगला सवाल देखो बच्चा क्या कह रहा है, किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है, माता पिता की आयु 35 वर्ष है तथा 3 पौत्र पौत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है, संपूर्ण परिवार की औसत आयु होगी। इसमें बच्चा ये बढ़ाने घटाने वाला तो यूज नहीं होगा, ये सीधे सीधे दे रखा है, दादा दादी की औसत आयु दे रखी है, माता पिता की औसत आयु दे रखी है और 3 बच्चों की औसत आयु दे रखी है,
तो बताना है कि पूरे परिवार की औसत आयु कितनी होगी। ये एक तरीके का जो समूह का सवाल है, अभी हम लोग आगे इस पे और भी सवाल करेंगे, कई सारे ग्रुपों का है, इस पे कुछ एग्जांपल हम लोगों ने पहले भी किए हैं, कुछ अभी करेंगे और कुछ आगे जब हम पढ़ेंगे मिक्स क्वेश्चन तो उसमें भी करेंगे। ठीक है भाई, हमारे पास में दादा दादी, दादा दादी मतलब कितने लोग हो गए, दो लोग हो गए, इनका औसत उम्र कितना है बच्चा, 67 साल है। माता पिता कितने लोग हो गए, दो लोग हो गए, इनका औसत उम्र बच्चा कितने साल है, 35 साल है। इसके बाद में कह रहा है तीन बच्चे हैं, तीन पौत्र पौत्रियां हैं, दादा दादी के पौत्र पौत्रियां हैं, इनकी औसत उम्र बच्चा कितनी है, 6 साल है। तो कह रहा है संपूर्ण परिवार की औसत आयु क्या होगी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी वैल्यू क्या है, बहुत दूर दूर है। तो औसत निकालने के लिए चाहे तो आप डेविएशन मेथड यूज कर सकते हो या टोटल सम मेथड यूज कर सकते हो। भाई कितने लोग हो गए, दो दादा दादी, दो मम्मी पापा और तीन बच्चे, 4 × 3 = 7, 7 लोगों में बांटना है। अगर 7 लोगों में बांटना है तो बच्चा ये आंसर तो नहीं आएगा, बटे में भाई 7 आएगा, 2 तो आएगा नहीं किसी कीमत पे। तो भाई टोटल निकाल लो, चाहे डिवीजन से करो चाहे टोटल से, उतना ही टाइम लगेगा। तो मैं टोटल निकाल लेता हूं भाई, डिवीजन में पहले अंतर निकालो फिर जोड़ो फिर भाग दो इससे, चाहे सीधे सीधे 2 × 7 = 14, 2 × 6 = 12 कितना हो गया बच्चा, 13 हो गया, 35 × 2 कितना हो गया, 70 हो गया, और 6 × 3 कितना हो गया, 18। तो मैं सब टोटल यहीं पर लिख देता हूं, ये 8 × 4 = 12, 7 × 3 = 10 = 11 कितना हो गया, 12, और ये कितना हो गया बच्चा, 2, 222 टोटल हो गया। और इसको कितने लोगों में बांट देना है, 7 लोगों में बांट देना है। तो 7 × 21 एक बच्चा 12 हो गया भाई, भाग जाएगा नहीं, 7 × 7 कितना बच गया, 5, और 31 सही 5/7 वर्ष, ये क्या हो जाएगी, उन सभी की औसत उम्र हो जाएगी। अगर अलग अलग ग्रुप है तो भाई ये नंबर तो अगर बड़े बड़े भी होते तो हम इनका क्या ले लेते बच्चा, अनुपात ले लेते, लेकिन ये पहले से ही छोटे छोटे नंबर है तो बस इसका गुणा इसमें यहां टोटल आ गया, इसका गुणा इसमें यहां टोटल आ गया, इसका गुणा इसमें यहां टोटल आ गया, ये कुल मान आ गया, ये कुल संख्या, कुल मान बटे कुल संख्या, ये हमारा क्या हो गया बच्चा, औसत हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 3 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति, उसकी पत्नी तथा उसके पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष थी। कितने साल पहले की बात कर रहा है, 3 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति, उसकी पत्नी तथा उसके पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष थी। 3 साल पहले 27 थी, तो 3 साल बाद अभी वर्तमान में बच्चा कितनी हो जाएगी, 3 बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 30 साल हो जाएगी। ये 3 साल पहले है और ये वर्तमान में। अब आगे क्या कह रहा पढ़ते हैं, जबकि 5 वर्ष पूर्व उसके पत्नी तथा उसके पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष थी। चलो कोई बात नहीं, 5 वर्ष पूर्व उसकी पत्नी तथा उसके पुत्र की औसत आयु, सिर्फ दो लोगों की बात कर रहा है, 5 साल पहले पत्नी और पुत्र की औसत आयु कितनी थी, 20 वर्ष थी। तो अभी अगर हम वर्तमान की बात करेंगे तो टोटल 3 लोगों का जो औसत उम्र है बच्चा कितना साल है, 3 साल है। इसमें एक पापा होंगे, एक मम्मी होंगी और एक बच्चा होगी। तो भाई पापा मम्मी और बच्चा तीनों की औसत उम्र वर्तमान में कितनी है बच्चा, 30 साल है। लेकिन कह रहा है 5 साल पहले पत्नी और पुत्र की औसत आयु कितनी थी, 20 साल। तो अभी 5 साल बाद वर्तमान में उनकी औसत उम्र कितनी हो जाएगी, 20 में 5 जुड़ जाएगा, इन दोनों की वर्तमान उम्र बच्चा कितनी हो जाएगी, 25। 20 में 5 दोनों की उम्र पहले मान सकते हैं 20-20 है, तो 5 दोनों में जुड़ गया, कितना हो गया बच्चा, 25 हो गया। अब भाई क्या कह रहा है कि उस व्यक्ति की वर्तमान आयु, इसकी वर्तमान आयु निकालना है बच्चा। यहां पे डेविएशन देखो कितना हो गया, 30 में 25 कितना कम, 5 कम, लेकिन यहां पे कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो टोटल डेविएशन बच्चा कितना हो गया, -5 उड़े दो, 5 × 2 कितना हो गया, 10, -10 इधर है तो इधर कितना हो जाएगा बच्चा, +10। +10 का मतलब यह है कि जो पापा की उम्र है वो औसत से 10 साल ज्यादा है, 30 में 10 जोड़ दोगे तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता या व्यक्ति की आयु 30 + 10 40 साल। क्लियर हो गया, आगे बढ़ा जाए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक परिवार के 5 बच्चों की औसत आयु 11 वर्ष है, उनके माता पिता एवं दादी की औसत आयु 35 वर्ष है, परिवार के 8 सदस्यों की औसत आयु ज्ञात करो। यह भी बच्चा आसान सवाल है, एक परिवार के 5 बच्चों की औसत आयु, 5 बच्चों की औसत आयु बच्चा कितनी है, 11 साल है। कह रहे हैं उनके माता पिता एवं दादी, टोटल कितने लोग हो गए, 3 लोग, 3 लोग की औसत आयु बच्चा कितनी है, 35 साल है।
तो कह रहा है परिवार के सभी सदस्यों आठों लोगों की औसत आयु बताना है। तो बच्चा इसका टोटल निकाल लो, ये कितना हो जाएगा 55, इसका टोटल निकाल लो 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9 = 10, और सबका टोटल निकाल लो तो बच्चा कितना आ जाएगा 105 में 55 जोड़ोगे तो कुल बच्चा कितना आ जाएगा 160, और 160 को कितने लोगों में बांट देना है बच्चा 5 × 3 = 8, 8 लोगों में बांट देना है तो कितना आ जाएगा औसत उम्र 20 वर्ष। ये किस तरीके का सवाल हो गया, ग्रुप वाला सवाल हो गया। तो भाई आयु में भी आ गया और ग्रुप में भी आ गया। तो इसी तरीके कई सारे सवाल होते हैं जो भाई दोनों कॉन्सेप्ट में फिट होते हैं या जिसमें एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट भी लगते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो सवाल में क्या बोल रहा है, एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, इन लड़कों तथा उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है, यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है तो माता की आयु कितनी है। ध्यान से देखना बच्चा कैसे करेंगे, कह रहा भाई 6 बच्चे हैं और 2 माता पिता हैं, मतलब एक माता एक पिता है। कह रहा माता और पिता की उम्र के बीच में, मतलब फादर की उम्र ज्यादा है और मदर की उम्र कम है, और इनका अंतर बच्चा कितना दिया हुआ सवाल के हिसाब से 8 दिया हुआ। ये जो 6 बच्चे हैं 6 पुत्रों की औसत आयु बच्चा कितनी है 8 साल है, लेकिन माता पिता 6 और 2 = 8 लोगों की औसत आयु सवाल के हिसाब से बच्चा कितनी है 22 साल। तो इससे बच्चा हम क्या निकाल पाएंगे, ये जो 2 लोग हैं इनकी औसत या इनका टोटल कितना बनना है, ये बच्चा हम लोग निकाल पाएंगे। देखो तो भाई यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे कितने की कमी है बच्चा 8 बाईस से कितना कम है बच्चा 14 कम है, तो यहां पे डिविएशन कितने का आ गया 14, लेकिन ये एक पे डिविएशन है, यहां पे ऐसे कितने बच्चे हैं 6 बच्चे हैं, तो टोटल डिविएशन कितने का हो गया 84 का डिविएशन, यहां पे टोटल डिविएशन कितने का हो गया बच्चा 84 का डिविएशन। अगर यहां पे -84 का डिविएशन है तो यहां पे बच्चा क्या आ जाएगा +84 का डिविएशन आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा बच्चा +84 का डिविएशन। कहने का मतलब यह है कि यहां पे 2 लोगों पे जो कुल विचलन है कितना होना चाहिए 84 होना चाहिए। अच्छा औसत कितना है बच्चा, इन दोनों का भी औसत कितना है 22, तो 22 अगर 2 लोगों का है औसत तो 2 लोगों का टोटल कितना हो जाएगा बच्चा 22 × 2 करेंगे बच्चा कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा, 22 × 2 करेंगे कितना आ जाएगा बच्चा 44 आ जाएगा। 44 में हमको क्या करना पड़ेगा, डिविएशन भी जोड़ना पड़ेगा। अगर भाई हमें एक का निकालना है, एक का तो निकालना नहीं है भाई, माता और पिता की अलग अलग है, चाहे तो हम माता और पिता की औसत आयु भी निकाल सकते हैं। औसत आयु कैसे निकाल सकते हैं भाई, ये 2 पे डिविएशन है तो 1 पे निकाल लो, 1 पे निकाल लो कि कितना आ जाएगा 42, अगर 1 पे 42 है तो भाई 1 का जो औसत उम्र हो जाएगा वो कितना हो जाएगा डिविएशन, अगर +42 है इसका मतलब ये है कि इसकी जो उम्र है वो औसत से क्या है 42 साल ज्यादा है भाई, 42 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, लेकिन ये तो 1 की उम्र हो गई औसत उम्र हो गई, तो अगर मैं टोटल की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा 2 × 8 और 2 × 6 = 12, 128 हो जाएगी। यहां से भी निकालोगे 44 और 84 जोड़ोगे, यहां से भी देखो कितना आ जाएगा 128 ही आ जाएगा। तो चाहे औसत निकाल के बाद में टोटल कर लो या आप पहले से टोटल निकालो, क्योंकि भाई हमें टोटल से ही मतलब है। ये माता पिता की क्या हो गई कुल उम्र हो गई, पिता और माता की कुल उम्र बच्चा कितनी हो गई 128 हो गई। अब हमें क्या करना है बच्चा, माता की उम्र निकालनी है, तो बच्चा माता की उम्र कैसे निकालेंगे भाई, 2 संख्याओं का योग दिया है, 2 संख्याओं का अंतर दिया है, छोटी वाली संख्या निकालनी है तो दोनों को घटा के आधा कर दो भाई, दोनों को घटाओगे कितना आ जाएगा 128 में से 8 घटाओगे कितना आ जाएगा, जो माता की उम्र है बच्चा आ जाएगी 128 में 8 घटाओगे 120, पर इसका आधा कर दोगे तो बच्चा कितना आ जाएगा 60, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बोलो बच्चा क्लियर हो गया, आगे बढ़ा जाए अगले सवाल के लिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक कक्षा में 17 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 साल है और अगर एक विद्यार्थी और आ जाता है तो औसत आयु 20 साल हो जाती है, तो नए विद्यार्थी की औसत आयु कितनी है। ये तो भाई जो हम लोगों ने पहले दूसरे क्लास में सीखा था बस वही वाला कॉन्सेप्ट है, 17 लोग दिए हैं और एक लोग और बढ़ जाते हैं तो कितने लोग हो जाते हैं 18 लोग भाई, 17 में एक और बढ़ जाता है तो कितने लोग हो जाते हैं 18 लोग, 17 लोगों की औसत आयु बच्चा कितनी दे रखी है 16, 18 लोगों की कुल औसत आयु बच्चा कितनी दे रखी है 20, यहाँ पे कितने की कमी हो गई 4 की, कितने बच्चे हैं ऐसे 17 चौको कितना हो गया बच्चा 68 हो गया। अगर यहाँ पे -68 का डिविएशन हो गया तो बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा +68 का डिविएशन हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो 18वां है इसकी आयु, ये विद्यार्थी कहां से हो सकता है, तो इसकी आयु बच्चा कितनी हो जाएगी औसत से 68 ज्यादा, औसत में 68 जोड़ दोगे तो बच्चा कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। ये भाई विद्यार्थी नहीं हो सकता,
ये बुजुर्ग विद्यार्थी होगा, है ये विद्यार्थी नहीं होगा, ये कैसा विद्यार्थी होगा, ये बुजुर्ग विद्यार्थी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तीन वर्ष पहले पांच सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है। तीन वर्ष पहले पांच सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है। अगर भाई तीन वर्ष पहले की बात करें तो भाई पांच सदस्य हैं जिनकी औसत उम्र कितनी है, 17 साल है। तो अभी वर्तमान की अगर बात करेंगे तो भाई वर्तमान में सभी की उम्र क्या हो जाएगी, 3 साल बढ़ जाएगी, औसत उम्र कितनी हो जाएगी, 20 साल। कितने लोग हैं बच्चा, 5 लोग हैं। ये 5 लोगों के लिए है। एक बच्चे का जन्म होता है फिर भी वर्तमान औसत आयु 3 वर्ष पहले की औसत आयु के समान है। एक बच्चे का जन्म होता है और फिर भी परिवार की औसत आयु 3 वर्ष पहले की औसत आयु के समान है। कहने का मतलब है वर्तमान में जो औसत आयु है वो 3 साल पहले की औसत आयु के बराबर है। 3 साल पहले की औसत आयु बच्चा कितनी थी, 3 साल पहले की औसत आयु बच्चा कितनी थी, 17 साल। कहने का मतलब यह है कि वर्तमान में औसत उम्र कितनी है बच्चा, 17 साल। लेकिन अब ये 5 लोगों की नहीं है, अब ये 6 लोगों की है। क्यों, क्योंकि एक बच्चे का जन्म होता है और हमें बच्चे की वर्तमान आयु यही तो बतानी है कि बच्चा कितना बड़ा है। अब देखो बच्चा कैसे समझेंगे इसको, 5 लोगों की 3 साल पहले औसत आयु दी है, 5 लोगों की हम लोगों ने निकाली कि वर्तमान में औसत आयु क्या है, और वर्तमान में एक बच्चा भी है और वर्तमान में 6 लोगों की औसत आयु है। देखो वर्तमान में 5 और वर्तमान में 6 कितने लोगों के, 6 लोगों के। इन 6 लोगों की औसत आयु हमें मालूम है बच्चा कितनी है, 17 है। इन 5 लोगों की वर्तमान में औसत आयु अभी हम लोगों ने निकाली कितनी है बच्चा, 20 है। तो हमें क्या करना है, ये जो 6 बच्चा है इसी की तो आयु निकालनी है। तो भाई इसकी आयु कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे कितना ज्यादा है, 3, एक पे 3 ज्यादा है लेकिन कितने लोग हैं, 5, तो कितना ज्यादा हो गया, 15 ज्यादा हो गया। यहाँ पे कितने की कमी हो जाएगी, 15 की कमी हो जाएगी। यहाँ पे कितना, 1। कहने का मतलब ये जो बच्चा है इसकी उम्र औसत से कितनी कम हो जाएगी, 15 साल कम हो जाएगी। तो बच्चे की जो उम्र हो जाएगी बच्चा कितनी हो जाएगी, 17 - 15 2 वर्ष, यही हमारा क्या आ जाएगा बच्चा। बोलो क्लियर हो गया सभी को, आगे बढ़ा जाए अगले सवाल की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो ये जो सवाल है बच्चा, ये जो अभी हम लोगों ने पीछे सवाल किया है, ये आपके RRB NTPC एग्जाम जो अभी रिसेंट में हुए हैं उसमें आए। तो इस तरीके के कई सारे सवाल आए हैं, एक दो सवाल और करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। देखो एक पति और पत्नी की औसत आयु 23 साल थी जब उनकी 5 साल पहले शादी हुई थी। 5 साल पहले, 5 वर्ष पूर्व की अगर बात करें तो औसत उम्र बच्चा कितनी है, माता और पिता की 23 साल है। कहने का मतलब अगर हम वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में क्या हो जाएगा, दोनों की उम्र 5 साल बढ़ जाएगी, और अब वर्तमान में औसत उम्र बच्चा कितनी हो जाएगी, 28 साल हो जाएगी। ये 2 लोग हैं। अब पति पत्नी और इस दौरान हुए उनके एक बच्चे की औसत आयु 20 साल है। अब 20 साल है मतलब वर्तमान की बात कर रहा है, वर्तमान में 3 लोगों की औसत उम्र कितनी दे रखी है बच्चा, 20 साल दे रखी है। तो कह रहा है बच्चे की उम्र कितनी है, फिर से वही बात होगी भाई, मम्मी पापा 2 लोग हो गए और तीसरा हमारा क्या हो गया, बच्चा हो गया। तो कह रहा है इन 3 लोगों की अभी वर्तमान में औसत आयु कितनी है, 20 साल है, और अभी वर्तमान में हम लोगों ने क्या निकाला कि जो मम्मी पापा हैं उनकी औसत आयु कितनी है बच्चा, 28 साल है। यहां पे कितना ज्यादा हो गया, 8, भाई डिविजन कितना आ गया, 8, एक पे अगर 8 का है तो 2 पे बच्चा निकालेंगे कितने का आ जाएगा, प्लस का 16। अगर यहाँ पे प्लस का 16 है तो बच्चा यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 16। कहने का मतलब ये जो तीसरा बच्चा है इसकी उम्र औसत से 16 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो बच्चे की उम्र आ जाएगी बच्चा कितनी आ जाएगी, बच्चे की उम्र आ जाएगी आपकी 20 - 16 = 4 वर्ष, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बोलो बच्चा क्लियर हो गया, आगे बढ़ा जाए अगले सवाल की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो क्या कह रहा है, पति एवं पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष थी जब बच्चे का जन्म हुआ था। पति एवं पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष थी जब उनके बच्चे का जन्म हुआ था। पति और पत्नी 2 ही लोगों की दी है, लेकिन कब की बात कर रहे हैं, जब बच्चे का जन्म हुआ था। पति पत्नी एवं बच्चे की वर्तमान औसत आयु 21 वर्ष है। वर्तमान औसत आयु बच्चा कितनी है, 21 वर्ष है। क्या कह रहा है, बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करो, बड़े ध्यान से समझना।
जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी उम्र कितनी होती है? 0 साल होती है। अगर भाई किसी समय दो लोगों की, पति पत्नी की औसत आयु 27 साल है, उसी समय बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे की उम्र कितनी हो गई? बच्चा 0 साल हो गई। अगर मैं तीनों के औसत की बात करूं, मतलब पत्नी तीनों की औसत उम्र कब? जब बच्चा पैदा हुआ था। तो भाई दो का टोटल कितना हो जाएगा? 27 गुणे 2, और प्लस जो तीसरा है वो तो पैदा हुआ है तो उसकी उम्र कितनी हो गई? 0, और बटे में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 27 दूना कितना हो गया बच्चा? 54, या इससे काट दो 3 × 27, 9 दूनी कितना हो गया? 18 हो गया। कहने का मतलब ये हो गया कि उन तीन लोगों की औसत उम्र जब बच्चा पैदा हुआ था तो कितनी हो गई? 28 साल। अब कह रहा है कि भैया वर्तमान में तीनों की औसत उम्र कितनी है? 21 साल है। तीन लोगों की औसत उम्र 18 साल थी, तीन लोगों की औसत उम्र 21 साल है, कितनी बढ़ गई? 3 साल बढ़ गई। अगर बच्चा औसत में 3 की वृद्धि हुई है, इसका मतलब है कि हर आदमी में 3-3 साल की वृद्धि हो गई है। माता भी 3 साल बढ़ गई है, बच्चा भी 3 साल बढ़ गया है, और पिताजी भी 3 साल बढ़ गए। जैसे भाई हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि अगर 3 साल पहले की बात करता है तो 3 साल बाद में क्या हो जाएगा? औसत में 3 की वृद्धि हो जाएगी। अगर उल्टा बोले, औसत में 3 की वृद्धि हो रही, इसका मतलब यह है कि भाई हर आदमी 3-3 साल क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अगर उम्र की बात कर रहे होंगे, इसका मतलब है भाई माता पिता से तो हमें मतलब नहीं, हमें मतलब किससे? बच्चा। बच्चा पहले कितने साल का था? 0 साल का। तो भाई अब कितने साल का हो जाएगा? औसत में कितने की वृद्धि होगी? 18 से 21। ये जब पैदा हुआ था तब। अगर अब की बात करें तो औसत कितना है? 21 साल है। कितना बढ़ रहा है बच्चा? +3, मतलब सभी की उम्र कितनी हो जाएगी? 3 साल बढ़ जाएगी। तो बच्चा अगर 0 साल का था और 3 साल बढ़ जाएगा तो कितने साल का हो जाएगा बच्चा? 3 साल का हो जाएगा। क्लियर? बढ़िया सवाल था। ये भी आपके एग्जाम में आया था, एनटीपीसी में ये भी आया था, जो पीछे वाला सवाल था उस भी तरीके का सवाल आया था, लेकिन ये ज्यादा आए थे। ये कई सारे सेट में इस तरीके का सवाल पूछा गया था जिसमें क्लैरिटी ही नहीं होती, स्टार्ट कहां से करें, सोचे कहां से, कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट करें। बच्चा ये चीज समझ ही नहीं पाता कि 2 की औसत उम्र दी है तो 3 की औसत उम्र कैसे निकल जाएगी। वो बेचारा कंफ्यूज रहता है क्योंकि उसके पास में कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहता। वो इस चीज को समझ ही नहीं पाता कि जब बच्चा पैदा हुआ था तो वो 0 साल का था। अगर 2 की औसत उम्र मालूम है, तीसरे की उम्र मालूम है तो तीनों का औसत उम्र निकाल सकते हैं। भाई 2 की औसत मालूम है, 2 का कुल निकाल लिया, फिर तीसरे का मालूम है टोटल कर दिया, और 3 से भाग कर दिया तो तीनों की औसत उम्र। तीनों की औसत उम्र जब बच्चा पैदा हुआ था, तीनों की औसत उम्र जब अभी की बात है, तो भाई औसत में कितने की वृद्धि होगी? 3 की वृद्धि होगी। इसका मतलब सभी की उम्र में कितने की वृद्धि होगी? 3 की वृद्धि होगी। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट। 3 साल पहले 5 सदस्यों की एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। भाई 3 साल पहले की बात कर रहा है, 3 साल पहले, और कितने लोग हैं बच्चा? 5 लोग हैं, और इन सभी की औसत आयु कितनी है? 17 वर्ष है। कितने लोग हैं बच्चा? 5 लोग हैं। तो भाई 3 साल पहले की बात कर रहा है, तो अगर अभी वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में इन्हीं 5 लोगों की बात कर रहा हूं मैं। वर्तमान में इन्हीं 5 लोगों की भाई 3 साल बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष। ये नॉर्मल सी बात होगी भाई, इतना लाइन पढ़ा, इतने से हम लोगों ने इतना निकाल लिया। परिवार में एक बच्चे के जन्म के बावजूद परिवार की वर्तमान औसत आयु समान है। बच्चे की वर्तमान आयु बताओ। कह रहा है परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ लेकिन जो वर्तमान में औसत आयु है वो अभी भी समान है। किसके समान है? 3 साल पहले के समान है। भाई वर्तमान के समान थोड़ी ना होगा। वर्तमान में अगर एक आदमी और बढ़ा देंगे तो औसत कम हो जाएगा ना, इसीलिए वो बोल रहा है कि ये जो औसत कम हो रहा है ये पहले के औसत के बराबर है। वर्तमान में 5 लोगों की औसत उम्र इतनी है, एक बच्चा हमारा और जुड़ जाता है तो औसत उम्र बच्चा कितनी हो जाती है? 17 साल हो जाती है। इन 5 की वर्तमान में औसत उम्र कितनी है? 20 है। तो कह रहा है बच्चे की वर्तमान उम्र बताओ। बच्चा कैसे करेंगे? यहां पे कितना डेविएशन आ रहा है? 17 × 3 = 20 प्लस का 3। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, तो कितना डेविएशन हो गया? प्लस का 15। यहां पे प्लस का 15 है तो बच्चा यहां पे कितना हो जाएगा? माइनस का 15। कहने का मतलब है यहां पे जो बच्चे की उम्र है वो औसत से क्या हो जाएगी? 15 साल कम हो जाएगी। तो बच्चे की जो उम्र हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 17 − 15 = 2 वर्ष। तीन साल पहले 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। परिवार में एक बच्चे के जन्म के बावजूद परिवार की वर्तमान औसत आयु समान है।
बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? भाई इसमें ऑप्शन थोड़ा सा चेंज कर लो, ऑप्शन में गड़बड़ी है, ऑप्शन में ये नहीं होगा। ठीक है, अब सही लग रहा है। कितनी हो जाएगी? 2 साल हो जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर? कई बार होता है कि जो ऑप्शन है वो कुछ अलग ही हो जाता है। बच्चा है तो बच्चा, भाई अगर 5 लोगों की उम्र 17 साल है, 3 साल पहले की बात कर रहा है बस, और अगर अभी बच्चा पैदा हुआ है तो भाई 3 साल में तो छोटा सा ही बच्चा होगा ना, 3 साल से छोटा ही होगा, 3 साल से बड़ा तो हो नहीं सकता। इवन तो 5 साल का नहीं हो सकता, 3 साल का हो सकता है या 2 साल का हो सकता है या 1 साल का हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बच्चा कितना आ जाएगा? 2 साल। अभी हम लोगों ने पीछे भी इस तरीके का एक सवाल किया। 10 साल पहले एक परिवार में 8 सदस्य थे और उनकी आयु का औसत 33 वर्ष था। ऐसे सवाल में थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, 10 साल बाद की बात कर रहा है, 4 साल बाद की बात कर रहा है, 3 साल बाद की बात कर रहा है, लेकिन ध्यान से समझना ये कहां से बात की बात कर रहा है। ये हमारा हो गया बच्चा वर्तमान, ये हमारा क्या हो गया? वर्तमान। तो यहां से 10 साल पहले की बात कर रहा है, तो यहां से 10 साल पहले की बात कर रहा है, तो भाई यहां से 10 साल पीछे चलेगा। यहां पे कह रहा है 10 साल पहले परिवार में कितने लोग हैं बच्चा? 8 लोग हैं, और इनकी जो औसत उम्र है बच्चा कितनी है? 33 वर्ष है। 8 लोगों की औसत आयु कितनी है? 33 वर्ष है। कह रहा है 4 साल बाद एक 64 वर्ष के सदस्य की मृत्यु हो गई। 4 साल बाद, कहां से 4 साल बाद? वर्तमान से 4 साल बाद की बात नहीं कर रहा है, यहीं से 4 साल की बात कर रहा है। कहने का मतलब यहां से 4 वर्ष बाद, पहले भाई 10 साल पहले की बात कर रहा है और यहां से 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है। क्या कह रहा है कि भाई अगर यहां से 4 साल बाद की बात करेंगे तो भाई सभी की उम्र 4 साल बढ़ जाएगी। अगर 8 लोग हैं, यहां पे औसत 33 वर्ष है, तो यहां पे 8 लोगों की औसत उम्र कितनी हो जाएगी बच्चा? 33 में 4 जुड़ जाएगा तो बच्चा कितनी हो जाएगी? 37 वर्ष हो जाएगी। अब कह रहा है यहां पे एक आदमी मर गया, एक आदमी मर गया तो मतलब एक 8 आदमी से कितने आदमी बच गए? 7 आदमी। और जो आदमी गया है उसकी उम्र बच्चा कितनी है? 64 साल है। कहने का मतलब इस 8 को बच्चा हम लोग क्या कर सकते हैं? 7+1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो 1 है हमारा 64 साल का है, और ये जो 8 के 8ों थे इनकी औसत उम्र कितनी थी बच्चा? 37 साल थी। यहां पे देखो बच्चा डिवीजन कितने का आ गया? 14 में से 7 गया 7, 5 में से 3 गया 2, तो यहां पे डिवीजन कितने का आ गया बच्चा? +27। तो यहां पे डिवीजन कितना आ जाएगा? -27। अच्छा, यहाँ पे एक लड़का भी पैदा हो गया, सॉरी यहाँ पे एक लड़का भी पैदा हो गया, तो ये तो वैसा हो गया, ये रिप्लेसमेंट वाला हो गया। यहाँ पे एक लड़का पैदा हुआ, मैंने ध्यान नहीं दिया भाई, 4 साल बाद एक 64 वर्ष की सदस्य की मृत्यु हो गई और एक लड़का पैदा हुआ। भाई 64 का जा रहा है और 0 का आ रहा है, भाई लड़का पैदा हुआ तो उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 0 साल। 64 का एक आदमी चला गया और 0 साल का एक आदमी आ गया, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? रिप्लेसमेंट वाला। तो रिप्लेसमेंट वाले में क्या करते हैं बच्चा? दोनों का अंतर लेके सब में बराबर बराबर बांट देते हैं। तो भाई इसमें हमारा क्या हो जाएगा? औसत उम्र घट जाएगी। भाई एक ज्यादा वाला चला गया, कम वाला आ रहा है, ज्यादा वाले जाने की वजह से वो ज्यादा लेके चला गया और आने वाला कुछ लेके ही नहीं आ रहा, तो क्या देगा? तो भाई औसत क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और भाई कितना कम हो जाएगा? ये जो 64 वाला चला गया है इसी को 8 लोगों में बांट देंगे, तो भाई कितना कम हो जाएगा? 8 कम हो जाएगा। तो भाई 37 में 8 कम कर देंगे बच्चा कितना हो जाएगा? 29 वर्ष हो जाएगा। 17 में से 8 गया 9, भाई पहले के हिसाब से जो 8 लोग थे उनके हिसाब से 37 वर्ष है, लेकिन एक आदमी मर गया और एक बच्चा पैदा हो गया, उसकी वजह से 8 लोगों की औसत उम्र बच्चा कितनी हो गई? 29 वर्ष हो गई। इसको और नीचे कर देते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, और 3 साल बाद, और 3 साल बाद मतलब यहां के 3 साल बाद और 3 वर्ष बाद, और 72 वर्ष का एक सदस्य मर गया और एक लड़की पैदा हुई। यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। अब यहां पे क्या है? 72 का आदमी जा रहा है और 0 का आदमी आ रहा है,
लेकिन भाई यहां से यहां तक आओगे तो भाई 29 वर्ष यहां पर अगर औसत आयु है तो यहां पर जो 8 लोगों की औसत आयु कितनी हो जाएगी, 29 में 3 बढ़ जाएगा बच्चा कितनी हो जाएगी 72 वर्ष। लेकिन यहां पे भी क्या है 72 का जा रहा है और 0 का आ रहा है तो भाई दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 72 और औसत उम्र क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। इस 72 को क्या करेंगे 8 लोगों में बांट देंगे तो 8 नवैया कितना हो जाएगा 72, 12 में से 9 हो जाएगा बच्चा कितना हो जाएगा 23 साल। भाई 32 साल की जगह पे आप कितना हो गया 23 वर्ष हो गया और एक लड़की पैदा हुई। अब परिवार की वर्तमान औसत आयु कितने साल है कह रहा है तो भैया वर्तमान में अभी वर्तमान में कितनी है औसत उम्र परिवार की तो भैया 8 लोग थे एक मरा एक पैदा हुआ फिर से 8 लोग हो गए फिर एक मरा फिर एक पैदा हुआ फिर से 8 लोग हो गए और इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया इसका मतलब अभी भी 8 लोग हैं। अब देखो 4 3 7 यहां से यहां तक कितना है 10 साल ये कितने हो गए 4 और 3 7 साल मतलब यहां से यहां तक कितना साल बचा हुआ है 3 वर्ष और बचा हुआ है और यहां पर 8 लोगों की औसत आयु कितनी है बच्चा 23 साल तो भाई 3 साल बाद सभी की औसत आयु कितनी हो जाएगी 3 साल बढ़ जाएगी। वर्तमान में जो ये 8 लोग हैं इनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी 23 + 3 मतलब 26 वर्ष हो जाएगी और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये हल्का फुल्का सवाल नहीं बच्चा ये बहुत ही भारी सवाल है मतलब अच्छे लेवल का सवाल है। अगर ये सवाल आप सोच पा रहे हो और आसानी से इतने कैलकुलेट कर पा रहे हो मतलब आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी। तो भाई अगर किसी को ये सवाल थोड़ा सा समझ में ना आए तो इस सवाल को 2 से 3 बार आप अपने से भी लगाना बाद में फिर से वीडियो को देखना और ये तब तक करते रहना जब तक कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में नहीं आता हर पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो जाता। इसमें मेन चीज है ये रिप्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट 64 का जा रहा है और 0 का आ रहा है तो मैंने आपको रिप्लेसमेंट वाला सवाल बताया था एक जाता है एक आता है तो क्या करते हैं दोनों के अंतर को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पहले औसत कितना है अब औसत कितना है बस ये देखना है कि औसत बढ़ेगा कि औसत घटेगा। भाई ज्यादा वाला जा रहा है कम वाला आ रहा है तो औसत क्या हो जाएगा घट जाएगा इसीलिए सब मैं औसत घटा दे रहा हूं। यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट है यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट ये सीखना था कि 10 साल पहले की बात कर रहा है और 4 साल बाद तो ये वर्तमान से 4 साल की बात नहीं कर रहा है यहीं पे 4 साल बाद फिर यहीं पे 3 साल बाद और फिर वर्तमान की बात कर रहा है। क्लियर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो भाई अगर बात करें औसत में जो एज से रिलेटेड सवाल होते हैं उसमें जो सबसे अच्छे लेवल का सवाल अगर आपके एग्जाम में आएगा तो वो इस तरीके का आ सकता है इससे ज्यादा लेवल नहीं पूछा जाएगा हल्का बस वही इतने लोग हैं इतने लोग की औसत उम्र इतनी है एक टीचर आ जाता है तो औसत उम्र इतनी हो जाती है या एक टीचर की उम्र हटा दें तो इतनी हो जाती है मतलब सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जाता है आपके एग्जाम में एक जोड़ने वाला एक घटाने वाला और एक रिप्लेसमेंट वाला यही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर इन सवालों को अगर आप डेविएशन से करोगे तो बहुत आसानी से आ जाते हैं। ठीक आगे बढ़ते हैं। अपने पुत्र के विवाह के समय पति पत्नी और पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष थी एक माता पिता है एक उनका पुत्र है जब पुत्र का विवाह हो रहा था तो ये माता पिता और पुत्र 3 लोगों की औसत आयु बच्चा कितनी थी 42 वर्ष ये कितने लोग हैं बच्चा 3 लोग हैं और ये कब हो रहा था शादी के समय जब उनका विवाह हुआ था। विवाह के 1 साल बाद एक बच्चे का जन्म होता है और कह रहा है जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो पूरे परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो जाती है तो विवाह के समय पुत्र वधु मतलब जिससे लड़के की शादी हो रही है उसकी उम्र बतानी है। बड़े ध्यान से देखना बहुत ही प्यारा सवाल है और बहुत ही बढ़िया बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे। भाई इस समय विवाह हो रहा है मतलब 3 से कितने लोग हो गए बच्चा 4 लोग हो गए लेकिन हमें 3 का ही औसत उम्र मालूम है अब हमारे पास में 4 लोग हो गए लेकिन क्या कह रहा है 1 साल बाद एक साल बाद विवाह के 1 साल बाद एक बच्चे का जन्म होता है विवाह के 1 साल बाद एक बच्चे का जन्म हुआ यहां पे विवाह हुआ इसके 1 साल बाद एक बच्चा पैदा हो गया 1 साल बच्चा पैदा हो गया मतलब 4 में एक और जुड़ गया भाई पहले 3 लोग थे विवाह हुआ तो पत्नी जुड़ी 1 साल बाद बच्चा पैदा हुआ तो एक बच्चा और जुड़ गया अब कितने लोग हो गए बच्चा 5 लोग हो गए। अब कह रहा है जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है भाई अभी 1 साल बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो ये जो बच्चा है इसकी उम्र कितनी है बच्चा 0 वर्ष है कह रहा है जब ये 5 साल का हो जाएगा अगर अभी उम्र 0 साल है मतलब इसके 5 साल बाद इसकी उम्र कितनी हो जाएगी 5 साल हो जाएगी मतलब यहां पे जो बच्चा पैदा हुआ है इसके भी 5 साल बाद कह रहा है पूरे परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो जाती है पूरे परिवार की पूरे परिवार में बच्चा कितने लोग हो गए 5 लोग हो गए और इन 5 की औसत आयु बच्चा कितनी हो गई 36 वर्ष हो गई।
तो कह रहा है विवाह के समय पुत्र वधू की औसत आयु कितनी होगी। देखो अगर मैं यहां की बात कर रहा हूं तो यहां पे चाहे यहीं पे निकाल लो चाहे यहां पे निकाल लो, मैं यहीं वर्तमान में निकाल लेता हूं, वर्तमान में सबकी उम्र निकाल लेता हूं क्योंकि वर्तमान में मेरे को सबकी उम्र मालूम है। तो भाई हमें अब ये मालूम चल गया कि विवाह कितने साल पहले हुआ था, 6 साल पहले हुआ था। अगर अभी की उम्र निकाल लेंगे तो 6 साल पहले की भी उम्र निकाल लेंगे हम, भाई विवाह कितने साल पहले हुआ था, 6 साल। विवाह के 1 साल बाद बच्चा पैदा हुआ और 5 साल बाद औसत उम्र की बात करें तो 6 साल पहले विवाह हुआ था। ये जो 3 लोग हैं विवाह के समय अगर इनकी औसत उम्र 42 साल है तो 6 साल बाद बच्चा कितनी हो जाएगी, ये 3 लोगों की औसत उम्र 6 साल बाद 42 और 6 कितनी हो जाएगी बच्चा 48 हो जाएगी। ये 3 में माता पिता है और जो बच्चा है जिसकी शादी हो रही, मतलब एक माता पिता है और एक उनका लड़का है जिसकी शादी हो गई, उसके बाद में उसकी शादी हो गई तो उसकी पत्नी आ गई और उसके बाद उसका भी एक बच्चा हो गया। तो भाई इसमें एक पत्नी शामिल है और फिर इसमें एक बच्चा शामिल है। तो बच्चे के लिए तो हमें मालूम है भाई बच्चे की जो उम्र हो गई है कितनी साल हो गई है, 5 साल हो गई। और जो ये 5 लोग हो गए हैं इनकी औसत उम्र बच्चा कितनी साल हो गई है, 36 साल हो गई है सवाल के हिसाब से। तो मैं क्या करता हूं पत्नी की उम्र निकाल लेता हूं। अगर यहां पे पत्नी की उम्र निकालूंगा तो भाई 6 साल पहले भी पत्नी की उम्र निकालूंगा। तो भाई यहां पे अगर डिवीजन की बात करें तो बच्चा कितना है प्लस का 12 है और कितने लोग हैं भाई 3 लोग हैं तो यहां पे कितना हो गया प्लस का 36 डिवीजन हो गया। यहां की बात करें तो यहां पे देखो बच्चा कितना हो गया 36 में से 5 घटाओगे तो 31 माइनस 31 हो गया। यहां पे 36 यहां पे माइनस 31 टोटल कितना हो गया बच्चा प्लस का 5 आ गया। टोटल अगर प्लस 5 है तो यहां पे बच्चा कितना हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा। कहने का मतलब इस समय जब वर्तमान में बात कर रहा है 36 वर्ष है सभी की औसत उम्र, इस समय पत्नी की उम्र औसत से कितनी हो जाएगी 5 साल कम हो जाएगी बच्चा, मतलब पत्नी की उम्र कितनी हो जाएगी 36 में से 5 घटा दोगे बच्चा कितनी हो जाएगी 31 साल हो जाएगी। लेकिन ये अभी की बात कर रहा है जब 5 लोगों की औसत उम्र दिया है, लेकिन विवाह कब हुआ था 6 साल पहले। तो 6 साल पहले की अगर हम बात करेंगे तो उस समय पत्नी की उम्र कितनी हो जाएगी बच्चा 6 साल घटा दो 31 में से अगर 6 घटा देंगे तो बच्चा कितना आ जाएगा 25 वर्ष, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। क्लियर हो गया। तो विवाह के समय पुत्र वधू की आयु क्या थी 25 वर्ष थी। तो ये जितने भी सवाल हम लोगों ने किए हैं चाहे ये सवाल है चाहे इसके पहले वाला सवाल है चाहे उसके पहले वाला सवाल है, ये आपके समझ सकते हो कि आयु के एडवांस लेवल के क्वेश्चन, बट इससे ज्यादा आपको डेप्थ में नहीं पूछा जाता। हाँ SSC के एग्जाम में थोड़ा बहुत लेवल और हो सकता है लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इससे ज्यादा आपको लेवल ले जाएगा। अगर आप इतना कर लोगे तो फिर वो किसी भी लेवल पे ले जाएगा। अगर आप ये सवाल समझ लेते हो अगर आप ये सवाल कर लेते हो तो फिर किसी भी लेवल पे ले जाएगा, आप आसानी से उसे हल कर पाओगे। क्यों? क्योंकि यहां तक करने के लिए कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया तो भाई फिर सवाल में कोई कठिनाई नहीं होती, चाहे वो जितने स्टेप का सवाल हो, ये 3 से 4 स्टेप का सवाल है वो 5-6 स्टेप का कर देगा, 7-8 स्टेप का कर देगा, आप धीरे धीरे 1 by 1 करके उसको खत्म कर दो। क्लियर? तो आयु के सवालों में बस इतने ही सवाल थे। अब हम लोग क्या करेंगे, एज औसत के कुछ सवाल जो हम मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। भाई औसत में बहुत सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट था, एक जोड़ घटाने वाला कॉन्सेप्ट हो गया, एक रिप्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट हो गया और एक एज वाला कॉन्सेप्ट हो गया। टोटल सम डिविजन, ये 2 तरीके से हम लोग हल करते हैं। तो भाई औसत में कॉन्सेप्ट के नाम पर बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं। अब हमारे पास में क्या है कि हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास में कोई भी सवाल आता है तो हम उसको कैसे करेंगे। अभी इसमें हमारे ग्रुप और ग्रुप वाले कई वाले कुछ ग्रुप और ग्रुप वाले सवाल किए हैं, लेकिन अभी कुछ ग्रुप वाले सवाल और करेंगे और उसके साथ में मिक्स क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करेंगे। तो एक क्लास हमारा औसत पे और होगा और उसके बाद में औसत हमारा क्या हो जाएगा खत्म। तो अभी इस क्लास में बस इतना ही, आगे हम लोग औसत का एक और लेक्चर देखेंगे। ठीक।